आज का जो मेरा वीडियो है वो है चाय लवर के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि आज का जो मेरा रिव्यू है वो है टाटा टी मसाला चाय का। मैं चाय पत्ती लेने गई थी तो स्टोर पे देखा, ये मुझे कुछ अलग सा हट के लगा। टाटा टी मसाला चाय, 5 का स्वाद। तो 5 के स्वाद में देखिए कौन कौन सा स्वाद मिलता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आपको बना के दिखाऊंगी और टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी चाय बनी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है और ये देखने में कैसी है। तो ये लिखा है टाटा टी मसाला चाय, 5 का स्वाद, मतलब इसमें 5 मसाले पड़े हुए हैं। तो चलिए देख लेते कौन कौन से सारे मसाले हैं। यहाँ इसका इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, 97% आपका टी है, मतलब मान के चलो कि 2% आपका मसाला है। तो मसाला फ्लेवर में है, मसाला मिक्स है, 2% जिंजर, सिनेमन, स्टार एनिस और कार्डमन एंड क्लोव। तो ये आपका अदरक, दालचीनी, स्टार एनिस और छोटी इलायची और लौंग का पूरा मिक्सर है। और नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, मसाला फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर, कंटेन एडेड फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस एंड नेचुरल फ्लेवर एडेड। थोड़ा जुकाम भी पकड़ा इसलिए मसाला टी मेरा लेने का और ज़्यादा मन हो गया था। तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 90 रुपीज़ का है। एंड जो इसकी वो थी मैनुफैक्चरिंग 8/2021 अगस्त की है और मैंने इसको अभी लिया है नवंबर में, नहीं मैंने इसको लिया 30 अक्टूबर को और आज है 4 नवंबर। और ये बैच नंबर पूरा दिया हुआ है, प्राइस 90 रुपीज़ है। और 5 मसालों का फ्लेवर ये हो गया, अदरक, दालचीनी, स्टार एनिस, कार्डमम मतलब छोटी इलायची और लौंग, 1, 2, 3 एंड 4, 5 5 मसालों का मिक्सर है। तो चलिए आपको दिखा दें कि इसके अंदर की चाय की पत्ती वो देखने में कैसी है। पैकेट से तो बहुत अच्छा शो हो रहा है, अब देखते हैं कि चाय पत्ती कैसी है। चाय पत्ती भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने चाय की पत्ती गिरा ली है प्लेट में, तो मैं आपको दिखाती हूँ एकदम बारीकी से कि कौन कौन सा इसमें क्या है, कुछ दिख रहा है। पहले मैं बता दूँ कि पत्ती की क्वालिटी की बात करती हूँ, तो क्वालिटी पत्ती की जो है चाय पत्ती की बहुत बारीक है, बहुत बड़ा बड़ा मतलब इसमें दाना नहीं है जैसा हम हमेशा सोचते हैं कि होना चाहिए। किसी किसी में यार मिल जाता है और गजब की चाय बनती है। तो इसमें बहुत छोटी छोटी हैं और इसमें कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं अदरक के, कुछ टुकड़े पड़े हैं हुए दालचीनी के, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ओपन करेंगे ना, बंद नाक में भी इसकी महक चल जाएगी, बहुत औसम महक आ रही है। मल की बात करें, ये मैं लेके बैठी हूँ, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ बैठी हूँ, तो मैं अपने ससुराल के किचन में बैठी हूँ। और ये थोड़ा बैकग्राउंड में आपको पेंटिंग मेरे बच्चे किए हैं, फैमिली मेम्बर भी हैं और भी लोगों ने मिल के किया है सारा पेंटिंग। तो मैं इसकी महक ले रही हूँ, मेरी नाक बंद है बट बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें बहुत अच्छी स्मेल है। और कैसी चाय है, तो चाय बना के दिखाती हूँ कि वो कैसी चाय है। और पत्ती वाइज तो मुझे ठीक लगी, बस यही ड्रॉबैक है कि थोड़ा छोटा छोटा सा है। और किचन में बैठ के चाय का वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा है, तुरंत चाय भी बना के पी सकती हूँ। तो चलिए चाय बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी। और ये मॉर्निंग टाइम ही है मेरा, जस्ट मॉर्निंग हुई है और मॉर्निंग में मैंने तुरंत वीडियो बनाया। अब जा रही चाय बनाने सबके लिए और पीछे बच्चे अपने काम में लगे पड़े हैं। अब मैं चाय बनाती हूँ, देखिए कैसा बना। लेट्स स्टार्ट मेक इट टी। चाय के लिए पानी और दूध मैंने चढ़ा दिया है कटोरे में और गैस ऑन कर दी है। सुबह सुबह की चाय बना रही है, सास बहू बैठ के पियेंगे। ये ब्रांड मुझे पीते हुए कम से कम 4 दिन हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल लूँगी चाय। लगभग 2 कप चाय बना रही हूँ और बिलीव करेंगे 2 चम्मच चाय पत्ती से इसका कलर नहीं आता, कम से कम 4-5 स्पून मुझे डालना ही डालना पड़ता है। और जो फर्स्ट बॉयल है ना, मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है फर्स्ट बॉयल की। और ये देखिए अच्छे से चाय खौला रही, जितना भी खौला लो चाहे जितना बॉयल कर लो इसको अच्छे से, पर वो जो चाय का ओरिजिनल कलर आता है ना वो नहीं आता बिल्कुल भी। बस इस चाय में मुझे वो कलर नहीं मिला जो मुझे चाहिए। तो आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे चाय लवर। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं चली चाय का सिप लेने, बट आधे मन से क्योंकि कलर मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।